अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको नए दिन और खूबसूरत सुबह के साथ वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और आज के राइजिंग पाकिस्तान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट रुशना ज़मीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा जदून जी। अस्सलाम वालेकुम। और कहते हैं ना कि जिस तरह एक इंतज़ार होता है हमें अपने लोगों से मिलने का, अपनी फैमिली से मिलने का। कल जब हम लोग यहाँ से होके गए तो मैं और रुशना बहुत देर तक यही सोचते रहे कि हम लोगों की आप लोगों से दोबारा मुलाकात कब होगी, और देखें हो गई दोबारा हो गई बिल्कुल। और वो ज़्यादा इंतज़ार का जो वो कहते हैं ना एक वक्त गुजारना मुश्किल इसलिए भी हो गया क्योंकि हमें पता था कि आज सुबह राइजिंग पाकिस्तान में हमारी मुलाकात किन से होने वाली है। मेरे आपके हम सब के जो फेवरेट हैं जावेद शेख साहब, आज वो मौजूद होंगे हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। राइजिंग पाकिस्तान में और भी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट हैं। ऑफ कोर्स फातिमा मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ हमारे गेस्ट सेगमेंट के लिए, लेकिन बाकी सेगमेंट्स का भी बताती चलूँ। आज हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान में मौजूद होंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए कार्टून्स, क्योंकि वो बड़ा बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो जो छोटे छोटे बच्चे सुबह सवेरे उठ के ऐसे ऐसे आंखें मलते हुए बैठे होते हैं राइजिंग पाकिस्तान देखने के लिए, तो उनके लिए हमारा कार्टून का सेगमेंट भी है बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी गुड न्यूज़ में हमारी एक प्यारी सी सहेली। और जैसा कि आपको पता है कि राइजिंग पाकिस्तान नाम ही पॉजिटिविटी का है, तो गुड न्यूज़ का जो सेगमेंट है वो हमेशा बहुत अच्छा जाता है और हम सबको अच्छा भी बहुत लगता है, हमको इंतज़ार रहता है सेगमेंट का, क्योंकि सुबह सुबह जब आपको गुड न्यूज़ मिल जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। फातिमा इसके साथ साथ हमारे आज के एक्सपर्ट सेगमेंट में मौजूद होंगे हारून शुएब, और हारून लेके आएंगे पांच पांच फिल्म्स का रिव्यू और हमें बताएंगे कि वो फिल्म्स जो थी वो ईद पे चली थी, पाकिस्तानी फिल्म्स का रिव्यू देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी मूवीज़ थी, और अगर आपने भी देखी है तो हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ एक और स्पेशल सी चीज़ है, वो ये है कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पे थ्रू आउट द प्रोग्राम चल रहा होता है, तो आपने क्या करना है जी, फ़ोन उठाना है और हमें जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस जो हैं वो भेजने हैं, चाहे वो पिक्चर्स हों, कोई आपका ख़ास मैसेज हो, कोई आपकी फरमाइश हो या कुछ भी, हमें जल्दी जल्दी आपने मैसेजेस भी भेजने हैं बिल्कुल। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ होगा हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब देखिए इतनी एंटरटेनमेंट है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना नाश्ता लेके, चाय का कप लेके बैठ जाना चाहिए स्क्रीन के आगे। तो हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेकर बस यूं गए और यूं वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हुआ चाहता है तीन तीन गुड न्यूज़ का, और हमारे साथ आज मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल अदीला। अदीला को सबसे पहले वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अदीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुशना, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अदीला आज कौन सी तीन तीन गुड न्यूज़ लेके आई हैं आज? आज रुशना, आज ना हमारे पास गुड न्यूज़ की बड़ी वैरायटी है। वैरायटी इस सेंस में है, देखें इसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात आ जाएगी, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और इसमें फिर हमारे स्पोर्ट्स की गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। तो मैं ना बड़ा एक ना अच्छा सा एक बास्केट लेकर आई हूँ, कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ गुड न्यूज़ की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली गुड न्यूज़ की जानिब से। अच्छा, सबसे पहली गुड न्यूज़ हमारे पास है वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट में जो हमारी एक हीरो है, हम उनको हीरो ही कहेंगे, उनका नाम है यास्मीन लारी, जो कि बिल्कुल किसी तारों की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने हाल ही में एक एज़ाज़ अपने नाम किया है, एक और एज़ाज़ मैं कहूँगी, क्योंकि उससे पहले ना उनकी एक लिस्ट लगी हुई है, उन्होंने इतने अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक और एज़ाज़ उन्होंने जो अपने नाम किया है, वो एज़ाज़ उनको डिस्प्लेस पॉपुलेशन के लिए ज़ीरो कार्बन सेल्फ बिल्ड कॉन्सेप्ट्स बनाने पर यूकेस किंग रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर दिया गया है। अच्छा, हाँ जी। और आपको पता है रुशना कि आर्किटेक्चर की दुनिया में ये अवार्ड सबसे आला तरीन समझा जाता है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो मोनार्क जो होते हैं वो इन अवार्ड्स को सिर्फ उन लोगों के लिए प्रूव करते हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर की दुनिया में बहुत अजीम कारनामे सर अंजाम दिए होंगे। जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकती हैं कि उनका काम कितना कमाल का है। यास्मीन लारी ने वैसे तो मुल्क में आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, और साल 2000 के बाद से बिल्कुल और साल 2000 के बाद से उनका फोकस ज़्यादातर एक्सेसिबल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन पर है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज से मुतासरा लोग हैं या फिर जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन है उनको छत फराहम की जा सके।
तो आप देखेंगे कितनी फ़ख्र की बात है कि वो कितना अजीम काम कर रही हैं। यास्मीन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इस तरह से जितने भी नेचुरल हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं उनके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक मेरे ख्याल से इतना कॉस्टली भी नहीं होगा, क्योंकि दिखने में लग रहा है और अफोर्डेबल भी है ऑफकोर्स। तो सबसे पहले तो यास्मीन डियारी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से और इवन पूरे पाकिस्तान की तरफ से हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी गुड न्यूज़ की जाने बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, रुशना आपको बॉक्सिंग कैसी लगती है? थोड़ी सी मुश्किल लगती है और थोड़ा सा डर भी लगता है मुझे। अच्छा, बॉक्सिंग का सुनते ना तो मेरे माइंड में, क्योंकि जाहिर है हम वो तो है नहीं, हम बॉक्सिंग सुन रहे हैं वो बचपन में जो नहीं, हम बहन भाइयों से लड़ते थे आपस में और बेड को रिंग बना लिया जाता था, तो हम उसी बॉक्सिंग का अपने माइंड में सोचते हैं। लेकिन आज की जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो खेल के रिंग से आई है, यानी बॉक्सिंग से आई है। तो इस बॉक्सिंग में जनाब, इसमें जानजेब रिजवान जो कि हमारे एक और नेशनल हीरो हैं, वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अमेरिका में नेशनल गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, और जानजेब रिजवान ने अपनी शानदार कारीगरदगी दिखाते हुए इस चैंपियनशिप के 12 में से 12 मुकाबलों में एक शानदार फतह हासिल की है। बिल्कुल, आज मतलब से 12 के 12 उन्होंने अपने नाम किए हैं। आप देखिए कितनी तो अच्छी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जानजेब की। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है और उन्होंने इस कामयाबी को बड़ी आजिजी से, बड़ी सादगी के साथ सेलिब्रेट भी किया है। तो जैसे कि रुशना, हम सब जानते हैं कि बॉक्सिंग ना एक बड़ी ही मुश्किल सी गेम है। इसमें ना कि आपने अपने ओपोनेंट को हराना है बल्कि आपने अपने आप को भी बचाना ही होता है, मार से बचाना ही होता है। तो उन्होंने जी इसमें अपना नाम बना के ना हमारे लिए बड़ा सर फखर से हमारा बुलंद कर दिया है। वैसे कितना ट्रिकी है ना कि आपने दूसरे को डिफीट भी करना है, हाँ, लेकिन पहले आपने अपने आप को बचाना भी है। तो आप देखेंगे कितना मुश्किल है, और उन्होंने इस खेल में अपने आप को मनवा के ना ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, और हमारी सुबह उन्होंने ना इस गुड न्यूज़ के साथ बड़ी अच्छी बना दी। सुबह बहुत ही खूबसूरत होगी है जानजेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र बनते रहिए। बेशक। अच्छा, आज की जो तीसरी गुड न्यूज़ है ना, तीसरी और आखिरी गुड न्यूज़ और जो मेरी बड़ी फेवरेट है, टेक्नोलॉजी के उसमें उस फेयर से आई है। ठीक है। अच्छा, वैसे हमने डस्टबिन और वेस्ट बिन्स हमने बहुत देखे हैं, जिनसे बिल्कुल हम कूड़ा करकट हम उसमें डाल देते हैं, अपनी ज़मीन को तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन कभी रुशना आपने सोचा है कि हम आबी आलूदगी का क्या करें, जो समंदरों में और दरियाओं में जो प्लास्टिक और दीगर जो आलूदगी के अनासर होते हैं उनसे कैसे बचाया जा सके, और ये कितना इफेक्ट भी करते हैं? अक्सर हम लोग साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं कि मेरी लाइफ कितनी इफेक्ट होती है वाटर पोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, उस हवाले से जी एक सोल्यूशन, एक छोटा सा सोल्यूशन आया है सामने, बड़ी ज़बरदस्त सी एक न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार्टअप ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम सी बिन है। इसका नाम देखिए कितना क्यूट है कि सी बिन इसका नाम है, और इसमें उन्होंने समंदरों और दरियाओं में जो फ्लोटिंग सी बिन्स हैं ना वो नस्ब किए हैं। हाँ जी, और जो सी बिन्स हैं ना, जो फ्लोटिंग सी बिन्स हैं वो पानी में मौजूद प्लास्टिक और दीगर आलूदगी को ना अपने अंदर कैद कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे आप अभी पिक्चर में देखेंगी, बड़ा एक बड़ी फैसिनेटिंग सी पिक्चर आएगी सामने, ये देखिए ये एग्जैक्टली किस तरह से वो फिल्टर सा लगा हुआ है, कैसे वो ना अपने उसमें कैद कर रहा है। और इसी तरह जो प्लास्टिक और जो दीगर आलूदगी के अनासर होते हैं ना वो गहरे पानियों में नहीं जाते इसकी मदद से, और ये जो मरीन लाइफ है उसके लिए भी कितना हेल्पफुल है कि देखें, अच्छा ये चल रहा है और उसके अंदर खुद ही चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं। कितना बड़ा था, देखने में भी बड़ा मजा आएगा इसको, वो जैसे जाल होता है ना उसमें मछलियां पकड़ी जाती है ऐसा ही है ये। और ये बड़ा जरूरी था, हाँ जी, ये बड़ा जरूरी था क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है ना वो समंदरों की नजर कर दिया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से उम्मीद है कि हम कोई बेहतरी ला सकेंगे, और एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की मदद से हम 90,000 टन जो है ना वो प्लास्टिक को समंदरों में जाने से रोक सकते हैं, समुद्रों में से जाने में से रोक भी सकते हैं, उसके बाद उनकी प्योरिफिकेशन भी हो सकती है, और उसके बाद वो रीयूज और रिसाइकल रीयूज भी हो सकते हैं, रिसाइकल भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो मेरीन लाइफ है वो थोड़ी सिक्योर हो जाए। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह हम कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी की एरा से जो भी चीज़ें आती हैं ना वो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होती हैं, और हर से एक छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो मिलके एक बहुत बड़ा चेंज बनाता है, लेकिन हमें ना सीरियस होके थोड़ा काम करने की जरूरत है, संजीदगी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह। अदीला, यहाँ पे एक ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि मतलब ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें तो बन गई है टेक्नोलॉजी से, लेकिन हमें खुद भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। हम पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का पैक खोला, शॉपर वहीं पर फेंक दिया, जो भी उसकी रैपिंग थी वो वहीं पर फेंक दी। इतनी खूबसूरत जगह हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल भी जहाँ भी आप जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि जितनी खूबसूरत जगह पे आप गए हैं अगर आप वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उतनी ही खूबसूरत रहनी चाहिए।
ताकि बाकी लोग जो है उनके लिए भी वो खूबसूरती बरकरार रहे। अदीला थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त गुड न्यूज़ लाने के लिए एंड वो भी तीन तीन खबरें। थैंक यू सो मच कि आप सुबह सुबह आपने हमारी सुबह बहुत खूबसूरत कर दी। इस वक्त चलेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ एंड उसके बाद राइजिंग पाकिस्तान में मज़ीद सेगमेंट्स भी होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।